वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। फिर से आप लोग के सामने एक वाला ब्लॉग लेके आई हूँ गाइस। तो घर में हम लोग कल अगरतला से आए थे, तो सोचा आज हम थोड़ा बाहर जाए, क्योंकि बेटी बार बार बोल रहे थे क्योंकि माँ मुझे चप्पल खरीदना है। उसका जितना भी चप्पल था गाइस, उसका पैर उसका पापा के जैसे गई है लंबा, तो अभी एक भी जो जूते हैं एक भी उसका साइज़ का नहीं है। अभी घर में जो है वो थोड़ा हैवी है, मतलब हील है, इसलिए वो नहीं पहन पा रही है। तो आज उसका ख्वाहिश है कि हम उसको लेके बाजार जाए, जो उसका चीज़ पसंद है वो खरीदें, इसलिए हम लोग जा रहे हैं गाइस। तो सोचा मैं आप लोगों को भी साथ में लेके जाऊँ, इसलिए मैंने आज ब्लॉग किया है। मेरे हर दिन हर वो जो लाइफ होता है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, इसलिए ब्लॉग किया गाइस। तो अभी हम लोग रेडी हो गई है, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं। और मेरा बेटी लोग भी देखो रेडी हो गई है। किधर है तुम लोग? नहीं देखो, ये है जो मेरा बेटी का ऑनलाइन का ड्रेस था, आज वो कम्प्लीट पहनी है। थोड़ा दिखाओ तो। एक्चुअली ये वाला ड्रेस मीशो ऐप से लिया है हम लोग ने, पहनना नहीं चाहते थे, थोड़ा टाइट है वो, लेकिन बाद में कैसे कैसे करके भी बोल दिया से ये पहनो, इसलिए वो पहन लिया है। उसका पापा के जैसा सेम टू सेम, देखो उसका पापा भी सेम है, वो भी सेम है। तो गाइस चलते हैं, तो आप लोग भी हम लोग के साथ चलिए। बैठ के मेरा हस्बैंड देखो फोटो खींच के, ओरिजिनल है। हाँ, मेकअप कर लिया, ये मेकअप कर दिया है। देखो गाइस, उसका पापा हमेशा उसको बेटी के लिए क्या क्या करते रहते हैं। पापा तो उसका बेटी को इतना जान से प्यार करता है भाई, मुझसे भी ज़्यादा प्यार करता है। जब से मेरा बेटी पैदा हुआ है तब से सिर्फ बेटी ही बेटी, मुझे भूल ही गई प्यार करना तो दूर की बात है, सिर्फ बेटी ही बेटी। हर हमेशा बेटी का फोटो एडिट करते रहते हैं, और बेटी भी उसका पापा के बिना नहीं रहता। देखो कैसे रह रहेगा इस, आप लोग देखो क्या बोलते हैं, बेटी और उसका पापा का रिश्ता और प्यार, मेरा तो दूर की बात है। चलो हिंदी आ जाओ, आ जाओ, पानी लिया नू ना, इनका का पानी। पहली बार आज मैं फर्स्ट बाहर निकली हूँ, मतलब आगे आगे जा रही हूँ, इतना दिन तो हमेशा लास्ट में रहती हूँ। चलो, शाम का वेदर तो थोड़ा बारिश बारिश जैसा है, अभी तो दिन बदल गई है। देखो बेटी, फोटो शूट कर रहा हूँ मैं उसको। आ जाओ आ जाओ, ठीक है। हाँ ये वाला ठीक है, करेंगे तो जिया। आ जाओ आ जाओ मामा, रुको रुको आती हूँ, तुम आ जाओ ना। तो गाइस हम लोग कार में बैठ गई है, बेटी सामने बैठ चुके हैं पापा के साथ, तो अभी चलो बैठ गई हूँ, अभी जा रही हूँ बाजार में। तो बेटी उसका पापा के साथ बैठी है सामने, या मेरा बेटी देखो बाबा। गाइस हम लोग मार्केट आ गई है, तो अभी जाना है बाजार। आजकल ये वाला कार पार्किंग का जगह हो गया है। देखो मेरा बेटी, चलो 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 बंद करो, दे दो मुझे दे दो, चलो चलो इधर से चलो। हमेशा हम लोग जंगल में क्यों आते हैं बोलो। पार्किंग का जगह तो बहुत भीड़ है। ये है हम लोग का कोलाछोरा बाजार, कोलाछोरा बाजार आई है गाइस। चलो आज भी फुल बाजार है। हम लोग आ गई है जूता दुकान में, जूता जूता ज़्यादा तो नहीं है। देखो देखो आ जाओ मामा, ऐसा वाला मैं देखो ना, वही तो पहना है तुमने चप्पल। हाँ वो वाला देखो, दौड़ने के लिए चाहिए तुम लोग, दौड़ने के लिए ये चेक करो, ज़्यादा तो नहीं है गाइस, ये दो तीन आँच है, पहले तो बहुत ज़्यादा होता था लेकिन आज से तो ये दो है। ठीक है हम लोग जूता देख लेते हैं गाइस, तब तक के लिए आप लोग मेरा चैनल में रहो। इधर से हटो और जोर से घुसाओ, और जोर से घुसाओ ना, घुसाओ। हाँ अभी हटो तो, धीरे धीरे हटो, धीरे मत धरो मत धरो, हटो धीरे धीरे हटो, फिर से आ जाओ फिर से आ जाओ। कैसा है बोलो? हाँ नहीं हंसेगा, अरे नहीं टूटेगा।
चलो चलेगा। तो गाइस हम लोग ने पैर ले लिया है, सब्जी वगैरह भी खरीद लिया है। मेरा बेटे को जूता ही नहीं मिला गाइस। इधर का एक पैर चो। आज बाजार बहुत गर्म है गाइस। आया था जूता खरीदने, अभी क्या क्या खरीद रहे हूँ हम लोग। गाइस हम लोग ने बहुत कुछ खरीद लिया है, घर में जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ ठीक है, ये वाला अच्छा है। अरे क्यों पकड़ा तुमने, क्या क्या खरीदा वो सब मैं घर में जाके आप लोगों को दिखाऊंगी गाइस। क्यूकम्बर लिया है, चलो ठीक है, चलो आ जाओ। तो मेरा हस्बैंड क्या ले रहे हैं, शुगर कैन ले रहे हैं, और हम लोग ये फिर से आए हैं चप्पल देखने। क्या ये पसंद है? अयो इतना सुन, तुम्हारा है तो मामा क्या करोगे तुम यहाँ पर बेटा? ठीक है मैं पूछती हूँ मेरे बेटी को, देखो ये सब पसंद आ गया। इधर आ जाओ जूता देखेंगे हम लोग। आ जाओ चप्पल खरीद, ठीक खोलो चप्पल खोलो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोला सर का चप्पल का दुकान, आ जाओ। वो मेरा हस्बैंड और मेरा बच्चा चप्पल ढूंढते ढूंढते इन तक ऐसे बैठ गई है। ओ मायो बीच बोर है कैसे करता है? 11 नंबर नहीं नहीं 13 नंबर 13 का बोला। तो गाइस मेरा बेटी को एक्चुअली उसका साइज का जूता नहीं मिल रहे। मामा बोलो लेना है तो दो भी ले लो, जो पसंद आएगा वो पहन लेगा। लेना है तो ले लो, घर में ढूंढ लेगा, अभी कुछ नहीं पता उसको। वही तो, मत पकड़ो मत पकड़ो, ये सब मत पकड़ो, ये सब दिवाली के लिए है, मत पकड़ो। इजा का पूछो। लास्ट एंड तक सिर्फ दो ही चप्पल पसंद आया है मेरे बेटे को। तो गाइस ये है हम लोग का भैया, एक्चुअली ये केक का शॉप है, यहाँ पर केक वगैरह मिलता है। तो ये है वो मालिक जिसको हम लोग भाई बोलते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा केक वगैरह गाइस। तो ये कोलाछरा बाजार के ऊपर के तरफ है। जूता खरीद लिया है, अभी देखो एक्सचेंज कर रहे हैं पहनने के लिए। खरीदो और भी खरीदो, लेकिन उसका पैर में एक भी नहीं होता गाइस। हम लोग ने चीज़ वगैरह खरीद लिया है, तो आ गई हूँ मेन रोड पे। हम लोग का केक का दुकान कोलासरा में सिर्फ एक ही है, दूसरा तो नहीं है, जो मार्केट के ऊपर की तरफ है जो केक का दुकान है भैया, मैंने आप लोग को दिखाया था वो वाला। और बहुत बिजी हूँ। आई रुको रुको, एक्चुअली मैं बहुत बिजी था गाइस, बहुत बिजी हूँ नहीं, बहुत बिजी था बेटी को लेके उसका चप्पल ढूंढते, इसलिए अच्छे से आप लोगों को वीडियो वगैरह नहीं दिखा पाई। तो जो थोड़ा थोड़ा लिया है वो ही आप लोग देख लीजिएगा, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो यहाँ तक मेरा ब्लॉग कैसा लगा गाइस, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताओ। ब्लॉग बाजार जो किया है गाइस, मैं आप लोगों को घर में जाके दिखाएंगे। फिलहाल वाह इतना लोग है, क्योंकि सामने दिवाली है तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ वगैरह, लोग भी बहुत ज़्यादा आया है सामान वगैरह खरीदने के लिए। तो दिवाली का अभी तो फटाका भी होने वाला है। मेरा बेटी तो लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम लोग ने तो मना किया, नहीं मामा अभी नहीं, क्रिसमस का टाइम है बोल के। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मुनू की तरफ, मार्केट से सीधा मुनू की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुनू मेरा बेटी का जो पसंद का चीज़ है, जो एक जूस है, वो लेने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर कोलासरा इतना ढूंढा हम लोग ने, गाइस नहीं मिला। तो अभी मुनू जा रहे हैं, वहाँ पर मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेंगे तो फिर से घर में बैक करेंगे गाइस। ये है कोलासरा पार्क, काला पनिया पार्क। जिया इधर देखो, इधर इस तरफ। क्या खाना चाहते हो तुम बोलो? अच्छा ठीक है। देखो गाइस मेरा बेटी गाना गा रही है, गाओ गाओ सामने देख के गाओ। मुझे पता नहीं, सुबह में सर एक बार ही खाना खाया मैंने, तो इसलिए अभी खा रहा हूँ ब्रेड खा रही हूँ। ये ऐसे भी खा सकता है, क्योंकि देखो गाइस ये बहुत सॉफ्ट है। बेटी को भी दे दिया है और मैं भी अभी खाने वाली हूँ। सॉस नहीं है तो मामा, सॉफ्ट बोला मैंने। हाँ मेरा बेटी सॉस ढूंढ रहे। ठीक है हाँ मुनू में ले लेंगे सॉस। हाँ पापा को दे दो, नहीं खाओगे तो। हाँ ठीक है मैं देता हूँ। एक्चुअली गाइस ये वाला ब्रेड हम लोग ने केक शॉप से ही खरीदा है, वो वाला वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए भूल गई हूँ। मैं इतना बिजी था इसलिए मैं नहीं ले पाई। तो वहाँ से मैंने ब्रेड और
चिप्स खरीदा है अपनी बेटी के लिए गाइस। हम लोग मोनू बाजार आ गए हैं, चलो ये थोड़ा बंद करता हूँ मैं। तो हम लोग आ गए हैं जूस की दुकान में, है कि नहीं पता नहीं देखने के लिए। दादा कॉफी जूस आसे नहीं, नेस्कैफे कॉफी जूस नहीं, अरे इधर में भी नहीं है, नहीं है मामा। चलो फिर से आई है दूसरा वाला शॉप में, इधर में है कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा। पेन ले लो, देखो कौन सा पसंद है ले लो मामा, आ जाओ। यहाँ पर आइसक्रीम भी मिलता है, आइसक्रीम 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 मामा आइसक्रीम, देखो नुना ये अलेका खाता है क्या? इसे का पूछो। इस वो वाला मिलता तो अच्छा था। अलेका को दिखाओ पहले, देखो तुम्हारा सिर्फ यहाँ मिला, तुम्हारा सिर्फ देखो ये है, देखो ठीक है दो ले लो, नहीं तो बाद में शांति बाजार से लेके आ जाओ। मोनू बाजार के बिना नहीं मिलता सर, वो भी कैन है गाइस, कैन के बिना नहीं है। वो वाला बिस्किट बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है इसलिए मैं ले रहा हूँ, पकड़ना भी नहीं ये आता। एक ले लो इधर, कितना है पता नहीं, ले लेता हूँ। ले लिया वो स्ट्रो वाला, एक ले लो ना स्ट्रो वाला, अभी पीने के लिए स्ट्रो वाला ले लो, स्ट्रो वाला ले लो। দাদা এটা একটা কত কইরা? 50 নি। আচ্ছা ঠিক আছে। ওকা কেক দোকান সে মেনে দেখো নেসকেফে নেহি মিলা নেহি মিলা বলকে কেক দোকান সে মুজে নেসকেফে মুজে মিল গই হে আর বহুত সারা চিজ লিয়া হে আর মে বহুত সব মে ঘর মে যাকে আপ লোগো কো দিখাউঙ্গি আপ লোগো কে সাথ শেয়ার করুঙ্গি। তো ফিলহাল দাদা কেমন ভালো নি? ভালো আছে দাদা, দোকানে না দেখে হইনি। জিনিস জিনিস কিনা লইছি এখন যাইব আর কি, তোমার তো দেখা পাইলে কথা না কই তো থাকতে পারে না। ওই তো দাদা তুমি কেমন আছে? ভালো নি, আমার আরেকজন দাদা। আচ্ছা আইব তাইলে। भैया जान पहचान का भैया है उधर में, हम लोग हमेशा स्वीट वगैरह खरीद लेता है तो इसलिए जाहिर है। तो एक्चुअली वो भैया हम लोग का मतलब पहला वाला भैया है, वहाँ पर हम लोग स्वीट वगैरह खरीदते हैं। तो वो भैया बहुत अच्छा है, मेरा जान पहचान है, इसलिए जब भी मैं देखती हूँ उसके साथ बात नहीं करना तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा मैं मतलब बात करना पड़ता है, जहाँ भी जाओ अगर मिला तो उन लोग से, अगर मोनू बाजार आओ तो मिल के जाता हूँ। तो और क्या बोलो गाइस, बहुत कुछ देखो क्या क्या लिया है, घर में जाके मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करने वाली हूँ। आज बाजार में आके मेरा पूरा पैसा चपट हो गई है, ये भी शेयर कर रहा हूँ। तो कैसा लगा गाइस आज का मेरा ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो केक का दुकान में भी गई, शॉप में गई और बेटी के लिए भी ले लिया। तो देखो वहाँ पर दो केन लिया था और केक दुकान से नेस्कैफे लेके आई, वो भी स्ट्रो वाला। तो देखो मैं घर में जाके दिखाती हूँ, डबल डबल हो गई। अभी बेटी दिन भर पिएगा, अभी पता नहीं कैसा है उसका। कल अगरतला से आने के बाद ही हमेशा पूछ रहे हैं मम्मी मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे पीना है, कहाँ है नेस्कैफे नेस्कैफे कॉफ़ी, वो कॉफ़ी जैसा है इसलिए उसको पीने का बहुत मन है गाइस। अभी खुश हो तुम हैं? तुम्हारे लिए आज किधर किधर हम लोग ढूंढा पता है, ये नेस्कैफे और जूते देखो जूता। गाइस हम लोग आ गई है मार्केट से, हाँ देखो तो क्या क्या लेके आया दिखाती हूँ। मेरा छोटा वाटा मार्केट के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो जो मैंने मार्केट किया है। ये ब्रेड तो हमने तीन लिया था गाइस, ये तीन खा लिया है हस्बैंड को, ये देखो शुगर कैन पसंद है बोल के ये ले लिया है, ये तो पता है मूला शाक राई शाक। मार्केट से तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया गाइस, सिर्फ चिल्ली और ये वाला लिया है, ये शिदो करके हम लोग का एक क्या बोलता हूँ हॉस्पिटल में एडमिटेड है बोल के हम लोग का एक मेम्बर, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग बॉयल करके भेज देंगे। तो बेटी के लिए ये, इसके लिए हम मोनू बाजार जाना पड़ा गाइस, थोड़ा सोचो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। और ये है परोटा,
जो केक दुकान से लेके आई हूँ। मोनू बाज़ार में भी बहुत सारा केक दुकान है गाइस, मतलब केक का शॉप है, हमेशा दुकान दुकान बोलता हूँ। तो ये है परोठा, देखो ये चाय के साथ पियेंगे हम। और क्या लिया मैंने, एक मेरे लिए बोतल लिया है, सिर्फ आप लोग देख रहे होंगे सर प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, एक भी अच्छा बोतल नहीं है, तभी मेरे घर में मतलब अच्छा वाला एक भी बोतल नहीं है, था पहले लेकिन यूज़ करते करते सब कुछ वो हो गई है। ये देखो ये है बोतल, मैंने ले लिया है पीने के लिए पानी। तो ये जम्बुरा ले लिया है, जम्बुरा मेरा फेवरेट वाला जम्बुरा। ये देखो मेरा बेटी तो हर जगह चिप्स ही चिप्स खाते, तो कुकुम्बर लिया है। और ये तिल मेरा फेवरेट है गाइस, ये वाला मुझे बहुत पसंद है। और दूसरा वाला है ये, इसको दिखाया था मैंने आप लोगों को, बहुत मुश्किल हो रहा है एक हाथ से लेने, मतलब मोबाइल पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रहा था। ये है पेड़ा, ये बहुत पसंद है मुझे इसलिए मैंने ले लिया, बहुत टेस्ट है। और कुछ नहीं गए, बस इतना ही है। ये कैन तो पहले ख़रीदा था, और ये सब बेटी के लिए टिफ़िन है, जब वो स्कूल जाएगा तब ये सब दे देंगे, बोल के ले लिया है, खरीद लिया है। ये सब भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वाला बिस्किट बहुत टेस्टी है गाइस, मिल्किस्ट, ये वाला दो ले लिया है, ये वाला एक ले लिया है। मेरा बेटे तो हमेशा चॉकलेट के बिना कुछ नहीं खाता, ये वाला जेली। तो कैसा लगा गाइस आज का मेरा शॉपिंग, मतलब मेरा मार्केट बाज़ार करना, ये सब चीज़ें सब लेके आया है, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। कहीं पर भी अगर मेरा बातें बोलने का भूल चुक है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा गाइस। ये साथ तो मैंने सब कुछ शेयर कर लिया है, तो अभी मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो यहाँ तक आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मेरा बेटी के लिए जूता ढूंढना, उसके लिए जूस ढूंढना बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि मेरा बेटी का पैर उसका पापा के जैसा लंबा है, मतलब साइज़ लंबा है, इसलिए जूता ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग का पैर तो छोटा छोटा है, जो भी साइज़ ले मतलब 5 से 6 हो जाता है, लेकिन मेरा बेटी के लिए इतना उम्र में देखो बड़ा बड़ा लगता है। तो क्या करेंगे भाई, ले लिया, फाइनली हम लोग को मिल गया, जूस भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो घर में आके अभी बहुत खुश है, अभी मोबाइल देख रही है, और मेरा हस्बैंड कार थोड़ा मतलब कवर कर रही है, कार से गई तो कार वगैरह वो ठीक कर रही है। तो और क्या बोलो, इतना बोल के मैं अपनी ब्लॉग यहाँ एंड करूँगी। तो फिर से बोल रहा हूँ कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा गाइस। तो यहाँ तक मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। सो फिर मिलेंगे नया और एक ब्लॉग के साथ गाइस। तो अभी के लिए चाटा एंड बाय एंड गुड नाइट गाइस एंड जतना हरका।